दोस्तों जोधपुर जिले के भूंगरा गांव में जो गैस त्रासदी हुई है उससे हम सब लोग भली भांति वाकिफ हैं और उस घटना के बाद प्रदेश की सरकार लगातार गंभीर है और प्रत्येक जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को और तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि गैस सिलेंडर को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसी होती है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के आदेशों निर्देशों के बावजूद भी बात अगर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की करें तो यहाँ पर तमाम प्रकार की लापरवाहियाँ गैस सिलेंडर को लेकर सामने आ रही है। आज सवेरे बाड़मेर के BNC चौराहे के पास एक होटल में अचानक से आग लग गई और उस आग के बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई और उस आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस आगजनी की घटना के बाद एक चीज़ जो सबसे बड़ी उभर कर सामने आई वो ये थी कि उस होटल के किचन में 3 घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जबकि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं लिया जाना चाहिए। और जब मीडिया की टीम वहाँ पर आगजनी की घटना की खबर करने पहुँची तो उन्होंने जो गैस सिलेंडर थे वो होटल के बाहर की तरफ रख दिए और जब मीडिया का कैमरा वहाँ पर पहुँचा तो उन लोगों ने उन गैस सिलेंडर को पास में झाड़ियों में छिपा दिया ताकि ये गैस सिलेंडर किसी को दिखे नहीं। गैस सिलेंडर दिखना या नहीं दिखना ये बात नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार की लापरवाही इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक प्रशासन की और संबंधित विभाग की एक निष्क्रियता है जिसके चलते अभी भी लोग इसी प्रकार के गैस सिलेंडर का यूज़ ले रहे हैं। अब इसको लेकर ये जो घटना हुई उसके बाद वहाँ पर जो तमाम लोग खड़े थे उनसे हमने बात की और होटल मालिक से भी बात की, जो फायर ब्रिगेड टीम से लोग थे उनसे भी बात की तो उन्होंने क्या कहा ज़रा ये आप सुनिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस घटना को लेकर और उसके बावजूद अभी इसी प्रकार की जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा नाम ढूंगरा राम है, नगर परिषद में फायरमैन लगा हुआ हूँ। हमारे को वॉकी टॉकी पे मैसेज आया था कि न्यू के होटल में आग लगी है। हम यहाँ मौके पर पहुंचे, किचन में आग थी, पूर्ण रूप से काबू पाया। तो कैसे आपने आग के यहाँ क्या देखा था, किस तरीके की आग लगी थी? यहाँ इनको पूछा तो इन्होंने बोला कि सब्जी की फ्राई कर रहे थे और किचन में आग लगी। तो उस समय सिलेंडर बाहर थे या उसके बाद रखे? सर हम आए जब इनके पास सिलेंडर खुले हुए थे और ये हौजरी खुली हुई थी, हमने आके सिलेंडर को। कितने बजे आप पहुंचे थे, उसके बाद क्या हुआ था? सर हम कॉल आने के तुरंत बाद पहुंच गए थे और यहाँ किचन में आग लगी हुई थी, पूर्ण रूप से आग पे काबू पाया। तो सिलेंडर यहाँ गैस करके हुए तो कैसे थे? गैस के सिलेंडर तो घरेलू थे। कितने सिलेंडर थे? अंदर पूरा अंधेरा था, हमारे को बराबर दिखा। और क्या हुआ था? किचन में बच्चे काम कर रहे थे, उस तेल में तेल गर्म था, तेल से बारिश के तेल आप। अच्छा, कितनी देर तक आग लगी, कितना नुकसान हुआ आपको? ये किचन के अंदर थोड़ा सा हुआ, बाकी टंकियां से बाहर निकाल दी थी, लड़कों ने मस्ती सारी आग बुझा दी। कितनी टंकियां अंदर रखी हुई थी? 2 टंकियां रखी हुई थी हमारी और स्टाफ ने पूरा उसको कंट्रोल कर दिया और उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आ गई, उन्होंने। अच्छा, घरेलू गैस सिलेंडर के लिए मना कर रखा है फिर आप यूज ले रहे हैं? कमर्शियल दे रखा है, आप कमर्शियल यूज करते हैं पर अभी खत्म हो गई तो घरेलू यूज किया।